नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। असम के कोकराझार में उग्रवादी हमला, 12 लोगों की मौत। असम के कोकराझार में शुक्रवार को ग्रेनेड हमले में कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में एक उग्रवादी भी मार गिराया। जानकारी के मुताबिक काले कपड़े पहने हमलावरों ने कोकराझार के बाजार में अंधाधुंध गोलीबारी की। ग्रेनेड हमले के बाद असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। भाजपा सांसद ने उठाया कश्मीर मामले में सरकार की रणनीति पर सवाल। लोकसभा में भाजपा के एक सदस्य ने कश्मीर की स्थिति से निपटने के अपनी ही सरकार के तौर तरीकों पर निशाना साधा और कहा कि यह रणनीति गलत है और अलगाववादियों एवं आतंकवादियों से कड़ाई से निपटा जाना चाहिए। शून्यकाल के दौरान भाजपा सदस्य आर के सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार में एक मंत्री पर हाल ही में बम से हमला किया गया और पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। सिंह ने दावा किया कि कश्मीर में बहुसंख्यक लोग शांति रोजगार चाहते हैं और वे हिंसा के खिलाफ हैं। पाकिस्तान में भारतीय कैदी पर दो बार हमला। पाकिस्तान में पेशावर की जेल में बंद 31 वर्षीय भारतीय कैदी पर पिछले दो महीने के दौरान अन्य कैदियों ने दो बार हमला किया है। इस व्यक्ति को एक सैन्य अदालत ने इस साल फर्जी पाकिस्तानी पहचान पत्र रखने का दोषी ठहराया था। मुंबई के रहने वाले हामिद नेहल अंसारी को 2012 में अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में अवैध तरीके से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह वहां अपनी ऑनलाइन दोस्त से मिलने के लिए गया था। अमेठी स्थित IIIT को बंद करने का फैसला सही, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा। उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को बंद किए जाने को उचित ठहराते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कानून ऐसे ऑफ कैंपस सेंटर को अनुमति नहीं देता और वहां की सुविधाओं से छात्र नाखुश थे। जावड़ेकर ने राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर कहा कि कुछ सदस्यों ने गुरुवार को अमेठी स्थित IIIT को बंद किए जाने का मुद्दा उठाया था और वह इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अमेठी स्थित राजीव गांधी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान तकनीकी रूप से अवैध था। इस संस्थान में केवल एक ही स्थायी अध्यापक थे और एक अध्यापक इलाहाबाद से रोज अमेठी आते थे और छात्र इससे नाखुश थे। इस्लामिक स्टेट ने 3000 लोगों को बंधक बनाया। इराक में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने अपना घर छोड़कर भाग रहे 3000 ग्रामीणों को पकड़ लिया और उनमें से 12 लोगों को गोली मार दी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि आयोग को मिली रिपोर्ट के अनुसार किरकुक जिले के 3000 विस्थापित किरकुक शहर जाने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने उन्हें घेर लिया और उनमें से 12 लोगों को गोलियों से उड़ा दिया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।